Nihal, do you want to back out? Yeah. Are you sure? You're sure you don't want to? He cannot wear, like, remove his wristband, no? He can remove his underwear. No? And no. Like... Pakka? तुम नहीं चाहते इम्यूनिटी? नहीं, इम्यूनिटी तो चाहता हूँ, पर अंडरवेयर नहीं उतारना चाहता। ठीक है, बैठ जाओ। अब तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, क्योंकि जो इम्यून नहीं होता वो कुछ भी नहीं कर सकता। When he's standing at the right at the end, he might fall any time. आशु, आप आगे खेलना चाहते? पूछ लो इससे, उतरो आती हो तो ये भी है तुम्हारे, देख लो। Do you want to play? He's okay. तेरे को रह गई कुछ आखिरी वॉइस? देख ले, ट्राई कर लूं। हैं, कर लूं ट्राई। देख ले, नंगा हो जाऊंगा, ये देख ले, कर ले। हैं, बता, नंगा ही करवा के छोड़ेगी। उसने जब सामने सुनील को देखा, उसको पता था कि चाहे वो अपनी कच्ची उतार दे, चाहे वो अपना जनेऊ उतार दे, सुनील के मुंह से सही जवाब सुनना तो इज एक्सपेक्टिंग लाइक द इम्पॉसिबल। कच्चा उतारने बेकार जाता, कोई गारंटी होती ना तो कच्चा उतार के बच जाएगा, तो उतार देता कच्चा भी। Do you want to back out? No. No? Does the belt count as one? No. It's not a piece of cloth. Yes. Okay, कपड़े के भी होते हैं। हाँ, हँसो हँसो। बड़ी आसान हो रही है। पढ़ना है हम लोगों को। जनरल नॉलेज सीखो यार थोड़ी बहुत। Well done. स्नेहशीश के बाल ऐसे, उसकी बॉडी ऐसी ब्रॉड सी, और he was big thighs, मोटा सा पेट, टाइट अंडरवेयर, मैंने किसकी बाइक ही डाल के आया था, टाइट छोटी सी फिट करी उसने, और बेचारा इतना एम्बैरेस हो रहा है, सिंपल सा खड़ा हुआ। आई वाज लाइक चलो, इसकी रिसर्च लुक सारी गई। मुझे ये पता है कि ना मुझे कभी लाइफ में नौकरी मिलेगी, ना मुझे कभी लाइफ में छोकरी मिलेगी। अच्छा हो गया लोग नीचे बैठ गए, मैं जब इधर देखता हूँ दिखते नहीं, खड़े रहते तो दुनिया को दिख जाती है। Are you ready for the next question? आप लोग तैयार हैं? लोग तैयार नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूँ। चक दे इंडिया में शाहरुख खान का कैरेक्टर किस रियल लाइफ हॉकी प्लेयर के ऊपर बेस्ड है? पता है? शायद। वन, फाइव आपका आंसर भी आ गया। टू आपका मैसेज आ गया, आपने बोला है इमरान खान। कौन इमरान? कब हॉकी खेली उन्होंने? I don't know, I just some Pakistani name. Bedouin. It's wrong. Five, आपने बोला अनवर। सईद अनवर? Do you think it's right or wrong? It's wrong. One ने आंसर भेजा है नेगी। नहीं, रंजन नेगी। Is the right answer? आप आगे जाना चाहते? नेक्स्ट क्वेश्चन से एलिजिबल होना चाहते? तेरा दिमाग खराब हो गया। क्या? आप बंद करके उतार दे यार। बैठ जाओ। कंपटीशन नहीं। आई वांट टू बैक आउट। स्नेहशीश, अगर तुम बैठ जाओगे, तुम बैक आउट करोगे, तो अपने आप अनमोल और विक्रांत को इम्यूनिटी मिल जाएगी। मेरे को लगा स्नेहशीश अपनी अंडरवेयर भी उतार देगा। He was really confident, but last उसको लगा कि क्या देख लिया? इसके पास already इतना बचा है। अंकिता, स्नेहशीश, are you guys backing out? करना तो नहीं चाहता, पर जैसा अंकिता का हिट रेट चल रहा है, मैं अपनी चड्डी भी उतार दूंगा, अपनी स्किन भी उतार दूंगा, तब भी इसका ये पूर हिट रेट चलता रहेगा। और विक्रांत ने अभी एक दो तीन चीज़ें ऑलरेडी पहनी। अनमोल, वेल डन, कंग्रेचुलेशंस। विक्रांत, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप लोग अगले वोट आउट से सुरक्षित हैं, और आप सबके खिलाफ कोई भी वोट डाल सकता है, और आप में से कोई ना कोई वापस कर सकता है। अयाज, तुम्हें कैसा लगा? तुम इस इंटरेस्टिंग क्विज के स्ट्रिप SMS के पार्ट नहीं थे? Being a part of Rodi, यहाँ पे आके कुछ भी करने को मिले मैं करूँगा, और कुछ नहीं करने को नहीं मिला तो फिर अफसोस है इस बात। ऑलराइट, तुम इम्यूनिटी जीतनी? जीतनी। अगर मैं तुम्हारे को एक चांस दूँ इम्यूनिटी जीतने का, तो तुम लोगे? डेफिनेटली, एनीथिंग। एनीथिंग? एनीथिंग। आर यू श्योर? श्योर। एनीथिंग? एनीथिंग। अनमोल और विक्रांत को छोड़कर जो बाकी 8 लोग यहाँ हैं,
अगले वोट आउट में अगर इनमें से पांच मुझे ये बता दें कि हम चाहते हैं कि अयाज को इम्यूनिटी मिल जाए तो मैं तुम्हारे को इम्यूनिटी देता हूँ, और अगर इन्होंने कहा नहीं, नहीं तो तुम 8 की बजाय 9 लोग हो जाओगे जिनको जिनके पास इम्यूनिटी नहीं होगी। तुम्हें लगता है तुम मना पाओगे 5 लोगों को? मैं मनाऊंगा नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक दे विल। मैं इनके ऊपर छोड़ा, आपने मेरे पर छोड़ा, मैं इनके ऊपर छोड़ा। अगले वोट आउट मिलते हैं, ठीक है? बेस्ट लक, थैंक यू। आपके सभी इम्यूनिटी पाने का एक मौका है। आप लोग ऐसे ही वापस बाइक पे। रोडीज पे आके सब कुछ उतर गया, और क्या बोलूं, नंगा हो गया यार। अच्छा है अंदर का ही पता चल गया, बाहर से देख ही रहे थे। एंबैरेसमेंट फील हो रही है, बस सोचूं कि मनोज कुमार बन जाऊं। ब्रोकबैक माउंटेन का कोई मतलब ऑडिशन चल रहा है यहाँ पर? ये दूसरी बार था जब मैं इम्यूनिटी जीता, और सच बताऊँ मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन दूसरी तरह मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि लोग खुद से जल रहे हैं। वैसे भी मुझे वोट आउट नहीं करने वाले, तो मुझे इम्यूनिटी की दरकार नहीं है। अगर वोट आउट करने वाले हैं तो क्योंकि मुझे खास इम्यूनिटी देने वाले हैं।